हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर पर और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि हमें पता है, आपके एग्जाम अभी हो चुके हैं, है ना? तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें अगले अध्याय को पढ़ना है और सीखना है। अगला अध्याय कौन सा? अगला अध्याय, हाँ, अगला अध्याय पार्ट नंबर 4, समय की कीमत। तो आइए पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारा चौथा अध्याय, हिंदी का चौथा अध्याय, समय की कीमत। इससे पहले आप सबको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है, पेज नंबर 27 खोलना है, जिसमें कि आपका चौथा अध्याय होगा। तो आप सबने खोल लिया, वेरी गुड। अभी अपने पास पेंसिल रखिए, रबर रखिए, जैसा कि आपको बताया जाता है। साथ साथ में आपको पहले तो सुनिए ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको नोट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए, पहले पेज पर लिखा है व्याकरण बिंदु। ये सब क्यों दिए होते हैं? बिकॉज ये आपके लेसन में ये पॉइंट्स, विलोम शब्द, वान जोड़ना, ये सब क्रियाएं आपके अध्याय में की जाएंगी। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिक्चर्स दी गई हैं। कौन है ये, जानते हैं ना आप? गांधी जी, उनको बापू गांधी भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप अपना हर कार्य समय पर करते हैं? हमें सदा अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए, है ना? सभी कार्य समय पर करने चाहिए ना। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, समय कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। साबरमती आश्रम में गांधी जी बा, यानी कि कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी का नाम है, और अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे। गांधी जी देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए दिन रात प्रयास में लगे रहते थे। नई नई योजनाएं बनाते, देशवासियों को जागृत करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। इसमें शब्द आए हैं, देखिए लाल कलर के शब्द हैं, आपको पहले जैसे कि बताया है, ये सब हमारे हार्ड वर्ड्स हैं। कार्यकर्ता, जो साथ में कार्य करते हैं, सपोर्ट देते हैं। दास्ता, दास्ता को हम बोलते हैं गुलामी, हमने अंग्रेजों के गुलाम रहे थे ना काफी टाइम तक। मुक्त मतलब आजादी, प्रयास मतलब कोशिश, योजनाएं, योजनाएं का मतलब होता है उपाय, तरीके ढूंढना, जागृत का मतलब होता है, एक तो जागृत का मतलब होता है उठना, जैसे हम जाग के सो के उठते हैं, तो यहाँ पे जागृत का मतलब दिया है देशवासियों को जागृत किया, सोच से उठाना। तो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही एक दिन एक सभा में भाषण देने के लिए उन्हें यानी गांधी जी को 9 बजे पहुंचना था। एक दिन पहले प्रबंधक महोदय जो उस कार्यक्रम की देखभाल कर रहे थे, उनको प्रबंधक महोदय बोलते हैं, तो उन्होंने आकर कहा, बापू कल सुबह 8:30 बजे आकर हम आपको ले जाएंगे। तो 9 बजे का प्रोग्राम है, जो भी भाषण देना है सभा में, तो 8:30 बजे हम आपको आके ले जाएंगे। गांधी जी बोले, मैं तैयार रहूंगा, तुम ठीक समय पर आ जाना। दूसरे दिन सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निपटकर बापू 8 बजे से तैयार होकर बैठे थे। जब 9:45, संख्या में लिखा है 9:45, यानी कि 9 बजे से 15 मिनट पहले बजे तक उन्हें लेने कोई नहीं आया, तब वे परेशान हो गए। परेशान होने की बात है, डर रहता है ना कि हम लेट ना हो जाएं। तो जैसा कि मैंने बोला था, लेसन के हार्ड वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको ये पढ़ना है। बापू को हर काम समय पर करने की आदत थी, वे कभी किसी सभा में देर से नहीं पहुंचते थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आश्रम की साइकिल उठाई और ठीक 9 बजे उस गांव के सभा मंच पर पहुंच गए। उधर प्रबंधक महोदय बापू को ले जाने के लिए आश्रम पहुंचे। उन्हें पता चला बापू तो जा चुके थे,
लौटकर गांव पहुंचे तो देखा बापू मंच पर भाषण दे रहे थे, क्योंकि जैसे कि बताया गांधी जी को समय पर हर कार्य करने की आदत थी और हमें भी सारे कार्य समय पर ही करने चाहिए। सभा समाप्त हुई। प्रबंधक महोदय ने लज्जित मतलब शर्म आ गई उनको, लज्जित होकर देर से पहुंचने के लिए बापू से क्षमा मांगी। बापू बोले, एक बात सदा याद रखो, समय बहुत मूल्यवान है। यदि मैं आप लोगों की प्रतीक्षा में बैठा रहता तो यहाँ कितने लोगों को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ती, इस तरह कितना समय बर्बाद होता। आप सब यदि अपने देश को लगभग स्वतंत्र करवाना चाहते हैं तो हर काम समय पर करने की आदत डालिए। प्रबंधक को बापू की बात समझ आ गई। तो देखा आपने, समय कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो उस काम से जुड़े लोगों को भी हानि होती है। यहाँ पे शब्द है मूल्यवान, नीचे दिया गया है। देखिए, मूल्यवान का मतलब होता है कीमती। आप इसे देखते हैं, मंच ऊंचा बना हुआ स्थान, जैसे कि स्टेज। लज्जित शर्मिंदा, मूल्यवान कीमती। प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार, बर्बाद मतलब होता है व्यर्थ। ऐसे ही इस पेज के हार्ड वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। आपको इनको कम से कम दो बार पढ़ना है और लिख कर देखना है अगर आपको लिखना नहीं आता तो। ये लेसन का शॉर्ट में है, अगर आप चाहते हैं तो पूरा लेसन पढ़ना चाहिए, पर फिर भी आप इस शॉर्ट में लेसन को पढ़ के इस लेसन के बारे में अच्छे से एक बार फिर से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी लेसन तो हो गया, हमने क्या सीखा लेसन से। संदेश है, समय बहुत मूल्यवान होता है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सही बात है ना, अनमोल वचन। यानी कि एक आपको टिप दिया जाता है, क्या कि आज का काम कल ना करें, कल पर नहीं टालना चाहिए। आलस्य का परिणाम सदा बुरा होता है। अगर हम आज का काम कल करेंगे तो कल का काम परसों करना पड़ेगा, ऐसे ही काम बढ़ता जाएगा और बर्डन हम पर ही आता है। तो आज का काम आज ही कंप्लीट करना चाहिए। व्याकरण एक दृष्टि में, आपको याद होगा हमने पहले संयुक्त वर्ण पढ़े थे, तो ये उन्हीं में से आगे के वर्ण है। देखिए, क और त को प्लस किया तो उससे बनने वाला शब्द हमने बनाया है मुक्त। यहाँ पे संयुक्त अक्षर नहीं लिखा है पर शब्द बना दिए हैं। प और त समाप्त, स और व स्वागत, प और र प्रयास, ल और य मूल्यवान। इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अभी आती है हमारी मानक हिंदी। मानक हिंदी मतलब हिंदी में शब्दों को सही तरीके से कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में हम उसको स्पेलिंग बोलते हैं। मुक्त इस प्रकार से लिखते हैं, प्रबंधक इस प्रकार से, बर्बाद मंच। तो ये जो इस साइड में हमारे शब्द हैं वो सही तरीके से लिखे हुए स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग इनकी सही है। ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, आपको एक बार पढ़ने हैं। साबरमती, आश्रम, अंग्रेज, जागृत, प्रयास, प्रबंधक, साइकिल, समाप्त, मूल्यवान, स्वतंत्र। ये कम से कम 2 से 3 बार पढ़ी। और जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पठन और श्रुत लेखन। मैंने पढ़ दिया, आपको पढ़ना है। श्रुत आप खुद से सुनेंगे, यानी कि सुनाई देगा आपको, और बाद में लिखेंगे भी। आप किसी भी बुक में लिख सकते हैं, नोटबुक है आपने आपके पास तो नोटबुक में लिख सकते हैं। जितने भी हार्ड वर्ड्स आप लर्न करते हो खुद से, आपको नोटबुक में ही लिखने होते हैं हार्ड वर्ड्स। बाकी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो जाती है। अभी आते हैं मौखिक प्रश्न, यानी कि सिर्फ आपको बोल बोल कर याद करने हैं, लिखने नहीं है। गांधी जी गांव गांव क्यों घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे, अभी हमने पढ़ा था। तो गांधी जी गांव गांव घूम रहे थे लोगों को जागृत करने के लिए। वापिस से बोलती हूँ, गांधी जी गांव गांव घूमते थे लोगों को जागृत करने के लिए। गांधी जी की परेशानी का कारण क्या था, तो क्या कारण था याद है आपको। गांधी जी की परेशानी का कारण था कि वो मंच पर यानी सभा पर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। रीजन आपको पता है ना, क्योंकि जो लेने वाले आने वाले थे वो समय पर नहीं पहुंचे थे। इसके बाद के क्वेश्चन लिखित है, यानी आपको यहीं पर लिखने हैं, पेंसिल से लिखने हैं। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे यानी कि लिखना है। क, गांधी जी कहाँ रहते थे और क्या कार्य करते थे, आपने भी पढ़ा गांधी जी कहाँ रहते थे। देखिए, प्रश्न के उत्तर भी आपके बुक में ही होते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो साबरमती आश्रम में गांधी जी बा
और अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ रहते। तो कहाँ रहते थे? आंसर मिल गया, साबरमती आश्रम। और क्या करते थे? दिन रात प्रयास लगे रहते थे मुक्त कराने के लिए। ठीक है, तो आपको ये पूरा तो नहीं लिखना है, जितना मैं बता रही हूं उतना लिखना है। क्या? गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। तो बाकी का क्वेश्चन क्या है? क्या करते थे? गांधी जी लोगों को अंग्रेजों की दास्ता, आप गुलामी भी लिख सकते हो, दास्ता नहीं लिखना है तो, गुलामी से आजाद कराने के लिए कोशिश करते थे। वापस एक बार बोल देती हूँ, गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे और अंग्रेजों से हमें आजाद कराने के लिए कोशिश करते थे। गांधी जी का प्रश्न है, गांधी जी सभा में ठीक समय पर कैसे पहुंचे? गांधी जी कैसे पहुंचे थे आपको याद होगा तो देखिए, पेज नंबर बैक पे जाएंगे तो कैसे पहुंचे थे? साइकिल से, आश्रम की साइकिल उठाई और ठीक 9 बजे सभा मंच पर पहुंच गए। तो इतना ही उत्तर है आपका। तो गांधी जी ने आश्रम की एक साइकिल उठाई और समय पर सभा मंच पर पहुंच गए। ग, प्रबंधक महोदय को गांधी जी ने क्या समझाया? तो प्रबंधक महोदय को क्या समझाया था? जैसा आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है कि कोई भी काम जो आपको निश्चित समय पर करना चाहिए, निश्चित नहीं लिखेंगे, हार्ड वर्ड लगता है तो मत लिखिएगा, इतना लिख सकते हैं कि हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, खाली स्थान भरें। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। क, गांधी जी ने, तो क्या आएगा यहाँ पे कॉलम में? गांधी जी ने डैश को डैश की दास्ता से मुक्त कराया। देश को, यहाँ पे आएगा देश को अंग्रेजों की, यहाँ पे आएगा देश फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में आएगा अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराए। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा फिर ही आंसर लिखिएगा। ख, भाषण देने के लिए सभा में बजे पहुंचे। कितने बजे पहुंचे? 9 बजे पहुंचे। ग, बापू को हर काम पर करने की आदत थी। किस पर करने की आदत थी? समय। घ, प्रबंधक महोदय ने देर से पहुंचने के लिए क्या किया? मांगी। क्या मांगी? क्षमा मांगी। ड, समय बहुत डैश है, क्या है? मूल्यवान। इस प्रकार से आपको पहले सुनिएगा ध्यान से फिर आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर, 32 पेज पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर चुने। आपको ये ऑप्शंस में से सही चुनना है, जैसे अभी आपने एग्जाम में किया ना, जस्ट टिक करना है। क, साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे किनके साथ? व्यापारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ या राजनीतिज्ञों के साथ? सेकेंड ऑप्शन, कार्यकर्ताओं के साथ। बापू को काम करने की आदत थी, देर से, समय से, फुर्सत से? सेकेंड ऑप्शन, समय से। इसके बाद मूल्य परक प्रश्न, यानी कि आपकी जानकारी के लिए ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। शब्दावली, पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द छांट के लिखिए। पहले भी आई थिंक मैं बता चुकी हूँ आपको, विलोम मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे कि देश, देश यानी कि हमारा देश का ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे लिखे हैं, देखो क्लॉक में लिखे हुए हैं ना, बनी हुई है पिक्चर। तो देश का ऑपोजिट होता है विदेश, यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, ऐसे ही अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। देश का होता है विदेश, ऑपोजिट मतलब विलोम। ख, सुबह, सुबह का क्या होगा ऑपोजिट? शाम। ग, समाप्त, समाप्त यानी खत्म हो गया, तो खत्म का ऑपोजिट क्या होता है? स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ। घ, मूल्यवान, मूल्यवान मतलब कीमती, और ऑपोजिट क्या होगा? जिसका कोई प्राइस नहीं होता, मतलब प्राइस। तो यहाँ पे हो गया मूल्यहीन, मूल्यवान का मूल्यहीन। वापस से बोल देती हूँ, देश का विदेश यहाँ पे लिखा है, सुबह का शाम, समाप्त का प्रारंभ, मूल्यवान का मूल्यहीन। अभी आते हैं सेकंड प्रश्न की ओर, दिए गए शब्दों के साथ वान प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए। वान प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? यहाँ पे देखिए, मूल्य ये एक शब्द है, इसके बाद हमने एक शब्द और ऐड कर दिया, तो ये बाद वाला शब्द हम जब दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा प्रत्यय कहलाता है। हमें क्या करना है? सभी शब्दों के साथ जो अलग अलग है एक ही शब्द वान सब में मिलाना है, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपकी बुक में लिखा है एक शब्द, नया शब्द बन गया, मूल्य प्लस वान, मूल्यवान, तो ये प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे भाग्य के साथ हमने ऐड कर दिया वान, तो हमारा हो गया, देखिए भाग्यवान, हमारा शब्द हो गया भाग्यवान। ऐसे ही गाड़ी के साथ लगाएंगे गाड़ी,
वान, यहाँ पे बन जाएगा गाड़ीवान। धन के साथ वान, धनवान। रूप के साथ वान लगाएंगे तो रूपवान। कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। जब आप कोशिश करते हैं तो उसका हल जरूर निकलता है। इसके बाद हमारे प्रश्न आते हैं भाषा बोध के। देखिए, फर्स्ट, उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण करें। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही फिल करने हैं, बट सही जगह पर फिल करने हैं। आइए देखते हैं। क, गांधी जी ने कहा कि, ये तो आपको पता है दोनों जगह पे की आएगा, पर कौन सा वाला की सही है सही जगह पर? देखो, मात्राओं का डिफरेंस है, मात्राओं के साथ साथ इनके मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। ये आप अगली कक्षाओं में सीखेंगे इनके डिफरेंस को, अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे कौन सा वाला की आएगा। गांधी जी ने कहा कि, छोटी मात्रा वाला, यानी कि इस प्रकार से, कि समय की, यहाँ पे बड़ी की आएगी, मेहता जानू, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ख, बापू गांव की, यहाँ पे ब्लैंक है, और दोनों में और आएगा, कौन सा वाला आएगा? गांव, बापू गांव की ओर, यानी कि जिसमें की ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा है, चल पड़े, और यहाँ पे और आएगा, यानी कि एंड, और प्रबंधक महोदय पहुंच नहीं सके, इस प्रकार से आपको लिखना है। ग, ब्लैंक है, ईश्वर तू बड़ा दयालु, आपको पता है क्या आएगा? हे ईश्वर, यहाँ पे एक मात्रा है, छोटा एक ही मात्रा आएगी, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। देखो, प्रोनंसिएशन में भी डिफरेंस है, आपने पहली कक्षा में जो स्वर सीखे हैं उनका प्रोनंसिएशन सीखा है तो आपको समझ में आएगा मात्राओं का डिफरेंस क्या होता है, इसी प्रकार से आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार क्रिया का अन्य रूप लिखें। उदाहरण क्या दिया है? करना, करना क्रिया होती है, यानी कि वर्ब होती है, तो हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब को। देखो, करना एक क्रिया है, उसमें क्या दिया गया है? करना का हमने इसमें बुक में बताया, करूंगी लिखा है, तो बाकी क्रियाओं के साथ हमें सेम ही करना है। देखो, जाना का जाऊंगी, इस प्रकार से, लिखना का लिखूंगी, ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे ही बाकी भी सेम तरीके से फिल होंगे। मैं बोलती जाती हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सोना, सोऊंगी, जैसे ये लिखा ना, ऊ की मात्रा इस प्रकार से आएगी, सोऊंगी। खाना, खाऊंगी। बोलना, बोलूंगी। पढ़ना, पढ़ूंगी। जागना, जागूंगी। इसी प्रकार से आपको ये सारे एक्सरसाइज खुद ही करनी है, इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है, बिकॉज हम समझा रहे हैं आपको, जो भी डाउट होगा आपका बाद में क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी खुद करने की। इसके बाद हमारी एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, पठन हेतु। इसमें क्या करना है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वैसे ही आपको कम से कम दो बार रीड करना है, इसमें आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप होती है। तो शुरू करते हैं। पठन हेतु टॉपिक है रानी बिटिया। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। देखो, राइमिंग्स भी है ना, बर्ड, चंडीगढ़, है ना। वापिस से पढ़ते हैं। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वरम, रामेश्वरम से चलते चलते लौट चली आई घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर, बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। घर के अंदर, रानी बिटिया मैंने ढूंढा पर तुम नहीं थी घर के अंदर, नहीं नहीं माँ, सच कहती हूँ भारत ही है मेरा घर। तो आपको इसका मीनिंग समझा, पूरा भारत हमारा एक घर की तरह है, हम चाहे अलग अलग जगह पे रहते हैं पर है तो एक ही घर ना, यानी कि एक ही देश ना। तो आपको ये कम से कम दो बार रीड कीजिए, आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत सुधर जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बोला, हमारे लेसन फोर्थ लेसन की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, हार्ड वर्ड जितने भी हैं नोटबुक में लिखने हैं, वापस से बता देती हूँ, और जो भी एक्सरसाइज अभी हमने की है वो आपको इसी टेक्स्ट बुक में ही करनी है। धन्यवाद।